दोस्तों जिनसे हमें आपको मिलवाना था, ये रहे बलराम शर्मा जी। हम उनके घर पर हैं और ये आप जो फोटो देख रहे हैं, इनकी धर्मपत्नी इनके साथ हैं और इनके बहुत बड़े किस्से हैं सर के। और बलराम शर्मा जी एक पूरा उपन्यास है जिनको हम आज पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और चलते हैं उनके पास। अरे दोस्तों, ये तो भगवान जी हैं, ये तो रामचंद्र जी हैं, सीता जी हैं, लेकिन बस उनसे हम लोग बहुत ही करीब हैं, बलराम शर्मा जी के। क्योंकि उनसे मिलने से पहले हमें पहले इस दरबार के दर्शन भी करने थे, क्योंकि उनके घर में, उनके कमरे में, उनके आसपास ये रहते हैं। और हम आ गए हैं बलराम शर्मा जी के पास। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मेरा प्रणाम है पूज्य पिता और माई को, दूसरा प्रणाम मैं करता हूँ निज जन्म भूमि सुखदाई को, तीसरा प्रणाम है प्रेम से पृथ्वी को, परमेश्वर को। तो बलराम शर्मा जी, आप के पास हम आए हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन के बारे में, अपने बचपन के बारे में और आपने कैसे शुरुआत की, जीरो से लेके 20 साल तक के सफ़र में हम जाना चाहते हैं आपके साथ। और हम चाहते हैं कि आप हमारे जो भी पब्लिक है, फैन हैं, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ें और उनको अपनी दुनिया में, बलराम यानी बलराम शर्मा जी की दुनिया में ले जाएं और अपने व्यंग से और अपने परिचय से लोगों को सीख दें और लोगों को बताएं कि क्या आपका जीवन रहा, क्या आपने 20 साल तक कैसा रहा। मेरा नाम है बलराम शर्मा। मेरे फादर थे पटवारी और भिंड जिले का रहने वाला ब्राह्मण जात हमारी। बीसलपुरा भिंड से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां हमारा जन्म हुआ, और वहां डाकुओं का ऐसा दबदबा था जो डर की वजह से हम लोग भिंड में कक्षा 4 में भिंड में पढ़ना शुरू किए। और हमारी साहित्य की जो बुनियाद है वो बुनियादी स्कूल से ही पढ़ी। 1967 में जब हम कक्षा 7 में थे उसमें एक डाकू भिंड में पकड़ा गया। सोना डाकू नंबर 1 को जाने बहुत ही जुल्म गुजारो, और थानेदार गणेश सिंह को राहजात में मारो। सन 1967 में 27 जनवरी आई, सोना की मौत जब छाई। तो इसके लिए मेरे पास एक हमारा खुद का लिखित एक यादों का आईना है। अब हम आपको अपने आईना के माध्यम से अपने आगे की जो कथा है वो सुनाते हैं। हमारे बाबा भी पटवारी थे, समोखलाल पटवारी। हमारे पिताजी होम सिंह पटवारी, चाचा बाबूराम पटवारी, एक चाचा सिमरन पटवारी, और जो प्रभु दयाल थे उनको किसी नौकरी की क्या जरूरत थी, वो घर में खेती किसानी का काम देखा करते थे। जब हम यहाँ भिंड में पढ़ रहे थे तो उसी समय उसी स्कूल में 7वीं में हमारे एक मदनावत टीचर थे, उन्होंने एक नाटक का मंचन कराया और हमको तुलसीदास बनाया। सब सूरदास, तुलसीदास, कविदास, जितने भी किताब में जितने भी कवि रहते थे तो उनको माध्यम बना करके लोगों को याद भी दिलाया, उस कहानी को याद करा दिए। फिर हमारे गांव में एक माता का मंदिर था और हमारे यहाँ ग्यादिन कुमार ने अपनी जीभ काट के चढ़ा दी और 2-3 दिन के बाद उसकी जीभ हो गई। तो उस मंदिर पर भी नाटक हुआ करते थे। सबसे पहले कृष्ण सुदामा का नाटक हुआ, हमारे एक भाई थे परिवार के दयाराम शर्मा जो डायरेक्शन का काम करते थे, लोगों को कलेक्शन का भी काम करते थे, इकट्ठे करते थे। तो उस नाटक में मेरे को भक्त प्रहलाद बनाया, कृष्ण सुदामा जब हुआ तो कृष्ण बना दिए। तो उस तरह के नाटकों, गांव में भी जाकर रहते भिंड में थे लेकिन नाटक करने के लिए गांव में जाते थे। हमारे भिंड में कई जगह रामलीला होती थी लेकिन किसी रामलीला में हम लोग काम नहीं कर पाते थे। पिताजी चाचा हमारे जो थे बहुत खतरनाक थे, उन्हें नौटंकी वोटंकी पसंद नहीं थी। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, उनका ये मतलब था पढ़ाई करते रहो, तो पढ़ाई पे ध्यान दिए रहे। हाई स्कूल पास हुआ,
11th पास हुए, बीएससी पर पढ़ने लगे। जब 20 साल की उम्र हो गई तो यहाँ छत्तीसगढ़ कोरबा, उसमें छत्तीसगढ़ नहीं बना था, मध्य प्रदेश को बिलासपुर जिला ही था, और उसमें नौकरी का निकला। उसमें था 11वीं में जिनके 50% से ऊपर नंबर होंगे, ऐसे 5 आदमी भिंड से वहाँ पहुँचे, उनमें 2-3 आदमी की नौकरी लगी, उसमें हम भी वहाँ रह गए। अब वहाँ जब नौकरी में पहुँच गए तो यहाँ शादी आदि की तैयारियाँ चलने लगी, तो हमने मना करने लगे भाई हम शादी नहीं करेंगे। 2 साल की ट्रेनिंग थी तो शादी के लिए हमने मना किया, तो पिताजी वहीं पहुँच गए, हमें नौकरी नहीं करवाना, तुम तो जवाब देने लगे। जब हमारे परिवार में बड़ों के सामने खड़े भी नहीं हो पाते थे, वो हम पोस्ट कार्ड में जवाब दे रहे थे धड़ल्ले के साथ में, हिम्मत हमारी देखो, 150 रुपये मिले क्या महीने में, इतना हौसला बढ़ गया कि हमने अपने बाप को जवाब दिया। फिर हमारे शुक्ला जी थे वहाँ पे, बीसी शुक्ला, उन्होंने कहा हम लेके आ जाएंगे, तो वो शादी आदि भी हो गई। और शादी हम पहले भी मना कर रहे थे, और शादी के बारे में मेरा अपना व्यक्तिगत भय है, हमारे परिवार में कई लोग और दूसरे लोगों की बात करता हूँ उनको बुरा लगता है, शादी ही बर्बादी है, इससे बढ़ती आबादी है। अरे बच्ची हो ना बच्चा, बच्चा हो ना बच्ची, निदाय अच्छी। एक बार फिर कहता हूँ, घोर नरक है शादी, पूरी करने के प्रयास में जिंदगी रह जाती है आधी, शादी तो नहीं करना चाहिए। अब हम जब वहाँ पहुँच गए तो हमने वहाँ पर एक जो लोग वहाँ ट्रेनिंग में थे, किसी की शादी नहीं हुई थी, 20-21 साल के सब लोग थे, तो एक 22 ईयर यूथ कल्चरल सोसाइटी बनाए और अपना नाटक करना शुरू किया। 76 से हम लोगों का रंगमंच पे काम शुरू हो गया था, और अपनी कंपनी वाले भी जो साहब लोग थे वो सहयोग करने लगे, छुट्टी वुट्टियाँ दे देते थे उसके नाम से, रिहर्सल के लिए तैयारी के लिए आगे बढ़ते रहे। और 20-21 साल में हमारा सांस्कृतिक मंडल बन के तैयार हो गया, शादी हो गई, परिवार बढ़ने की जो चालू हो गई, प्रक्रिया शुरू हो गई। अब आप बताएं आगे। दोस्तों, अभी तक हमने जाना 20 साल तक का सफ़र बलराम शर्मा जी का, उनकी जुबानी, उनकी कहानी, आगे का उनका जो भी है, शादी कैसे हुई, कैसे क्या हुआ, कैसे उनका सफ़र आगे बढ़ा, क्या सीखा शादी से, क्या मिला उन्हें, ये सब हम जानेंगे तो बलराम शर्मा जी से। ठीक है, जब हमारी 22 ईयर्स का गठन हो गया तो सबसे पहले एक नाटक एकता गधा उर्फ अलादात का, इसका मंचन किए। उसके बाद में उसमें हमको जुग्गन धोबी का कैरेक्टर करना पड़ा, और मेरी जो उस समय नई नई आई हुई दाढ़ी जिसे हम संकोच बस कटवा नहीं रहे थे, वो प्रमुख कारण बनी जो हमें उस कैरेक्टर तक ले गई। जब दूसरा नाटक हुआ थैंक यू मिस्टर ग्लाट, इसमें हम गफूर कैदी के रूप में थे, तो वो दाढ़ी हमारी जो जिसको कभी नहीं कटवाए थे वो फिर काम आई, और इस तरह के जो करेक्टर मिलना शुरू हुए तो ये दाढ़ी परमानेंट हमारे चेहरे में चिपक गई। और आज भी बहुत कम 60 साल की उम्र में 60 बार दाढ़ी बनवाई नहीं है। इस तरह से हमारे जीवन में पारिवारिक से ज़्यादा सांस्कृतिक गतिविधियाँ ज़्यादा अधिक होने लगीं, तो घर में पारिवारिक तनातनी का माहौल बनने लगा। तंग आ गई बीवी सहते सहते ताना, आज दाल में नमक अधिक है कैसे खाऊं खाना, सोने चांदी का ख्वाब छोड़ दे तुझे पीतल भी नहीं पाना, पांव में पायल कान में झुमके मायके में जाकर बनवाना। और ये प्रेम की जो तना थी चलती रही, उधर नाटक भी चलते रहे, समय बच्चे पैदा होते रहे, एक एक करके 3-4 बच्चे भी पैदा हो गए, और एक भाई को ले गया था उसको भी पढ़ा रहा था। तो ये सामंजस्य, पारिवारिक और सांस्कृतिक सामंजस्य आगे बढ़ रहा था। तो वहाँ पर हमारे क्रांति शर्मा थे जो बिलासपुर में एक फिल्म का ऑडिशन देने गए, तो उनसे वहाँ शायद कुछ पैसा मांगा गया, उनका पैसा दे के यहाँ बनाएंगे तो हम अपने अपने पैसे से अपनी फिल्म नहीं बनाएंगे, और उन्होंने कोरबा में आकर के फिल्म बनाना शुरू किया। हमारी संस्था सांस्कृतिक मंडल थी,
बाई सी एस के जो कलाकार थे उसमें काम करने लगे, और क्रांति शर्मा उस समय टीवी ना होने के कारण वीडियो हॉल बने हुए थे और वीडियो हॉल में हमारी फिल्में चलने लगी। तो बतौर कलाकार हमारी पहचान उस वीडियो हॉल में चलने वाली फिल्मों ने हमें एक कलाकार के रूप स्थापित किया। रंगमंच पे जो बड़े बड़े लोग थे, अधिकारी लोग थे, वो रंगमंच पे हमारे अभिनय को देखते रहे और हम उसमें और निखरते गए। सभी कलाकार उसी में कुछ गाने वाले थे, बजाने वाले, सब आगे बढ़ते गए। क्रांति शर्मा के बाद में एक बार अखबार में वहाँ से निकला कि बॉम्बे में एक फिल्म बन रही है, उसके लिए हम ऑडिशन देने बॉम्बे पहुँच गए। 86 की बात है, तो उसमें सिलेक्शन हो गया। ठीक है, उतना दूर आना जाना और यहाँ अच्छी स्थायी नौकरी सारी सुविधा, उसकी वजह से फिर हम उसमें दो बार गए, एक बार ऑडिशन देने के लिए और दूसरी बार शूटिंग के लिए। फिर दोबारा बुलाने पर हम वहाँ बम्बई नहीं गए। भगवान को शायद यही मंजूर था और इसी से हमारी ज़रूरतों का काम पूरा हो रहा था। एक्टिंग का काम हमारे नाटक के द्वारा हो रहा था, वीडियो फिल्में भी बनने लगी थी। बाद में फीचर फिल्म का जब जमाना आया तो फीचर फिल्में बनाई, तो क्रांति शर्मा ने वीडियो फिल्मों के बाद एक सेलुलॉइड वाली फीचर फिल्म बनाई जिसमें कलकत्ता के कैमरामैन वगैरह लाइटमैन वाले आए थे। वही फिल्म हमारी मोंगरा की, एक बड़े पर्दे वाली फिल्म हमारी मोंगरा, जिसमें हमने काम किया था और हमें लोग ठगते थे। ऐसी फिल्म थी जिसमें हम ठगा जाते थे सीधा साधे, हमारे नाम ही समारोह था करेक्टर नेम। और उसके बाद ने एक फिल्म पुन्नी के चंदा, जिसमें हमने तांत्रिक का काम किया था, उसको बहुत पसंद किया गया। अपनी दाढ़ी तो एक परंपरा की बन गई थी, दाढ़ी हमारे साथ थी तो उस रोल को बहुत पसंद किया गया। फिर क्रांति के साथ ही जब पृथक छत्तीसगढ़ बना, एक साल में 30-32 फिल्में बनी छत्तीसगढ़ी फिल्में। तो उस समय एक जो फिल्म है माया की डोरी, माया की डोरी फिल्म जिसे हमने ही अपने शौक से प्रोड्यूस किया, और जो पैसे कमी पड़ी तो हमारा कोरवा में एक मकान था, उस मकान को बेच करके हमने इस फिल्म को पूरा किया। और छत्तीसगढ़ के 7-8 जिलों में हमने चलाया इसको, तो टाकीज हमको किराए पे मिला करती थी और टाकीज का किराया ही निकलता था एक सप्ताह में। फिल्म से कोई लाभ नहीं हुआ, हाँ कुछ पैसा कम पड़ गए, तो हमारे यार दोस्तों ने सहयोग किया, सहयोगी निर्माता बने। आज YouTube पर ये फिल्म 2-3 साल पहले डाल दी गई है और 27 लाख लोग इसको देख चुके हैं अभी तक। अब फिल्मों का सफ़र, नाटकों का सफ़र और नौकरी का चक्कर ये 2011 तक चलता रहा। इसी बीच हमारे दो लड़कियों की हम शादी कर दिए, एक लड़के की भी शादी कर दिए। एक लड़की इंजीनियरिंग पढ़ रही थी और हम VRS लेके वापस ग्वालियर आ गए। ग्वालियर में हमने अपना घर ले लिया और यहाँ आने के बाद में उनका साथ ज़्यादा नहीं रहा। 2014 में वो हमें अकेला छोड़ के चली गई। बीबी गई है मुझको जब से अकेला छोड़कर, साथ रहने के सभी रिश्ते नाते तोड़कर। अब 14 में एक लड़की छोटी वाली जो यूनिट पढ़ के आ गई थी उसकी भी शादी कर दी है, और यहाँ पर मुरैना में पहले तो 11-12 में यहाँ पर अनिल शर्मा फिल्म बना रहे थे। तो उस समय ग्वालियर के अनिल शर्मा और बम्बई के अनिल शर्मा अलग अलग होंगे हम नहीं जानते थे। अनिल शर्मा के नाम से निकला था तो मैं एक दिन पहले जगह दिखाया ऑडिशन कहाँ हो रहा है, दूसरे दिन समय पर उस जगह पहुँचा। बम्बई वाले जो लाहौर आया, मैं दिल्ली छोड़ आया, एक गाना वाली जो फिल्म थी ना, उस फिल्म में अनिल शर्मा ही डायरेक्टर थे, तो मैं समझा था वही अनिल शर्मा होंगे। तो यहाँ भी उन्होंने हमारा सिलेक्शन कर लिया और शर्मा जी की फिल्म में मेरे को हीरो के बाप का रोल मिल गया। हम खुश थे कि हमें बम्बई वाली फिल्म में काम मिला है।
हालांकि बाद में पता चला कि बम्बई की फिल्म के डायरेक्टर दूसरे हैं और ये अनिल शर्मा ग्वालियर के ही हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें तो जब रंगमंच पे हम नाटक एक्टिंग कर रहे थे, वीडियो फिल्मों में कर रहे थे, फिर यहाँ आकर के तिवारी जी मुरैना वाले जो एक रिपोर्टर हैं, बहुत दिनों तक उन्होंने रिपोर्टिंग काम किया है, चैनल में रिपोर्टिंग काम करते थे, उन्होंने यहाँ फिल्म बनाना शुरू किया, फिर हमको साथ में जोड़ लिया। तो बचाओ फिल्म से उनके साथ में जुड़ गया हूँ और उसके साथ उनकी जो भी फिल्म बनी है उसमें सब मैं एक्टिंग करने के लिए मुरैना जाता हूँ और जो भी करेक्टर मिलता है कोशिश करता हूँ उस करेक्टर को निभाया जाए। और हमारी अभिनय यात्रा जो रंगमंच पर लगातार 28-30 सालों तक चलती रही, उसमें हमने मुर्गी वाला, चार टांगे, कई नाटक और साक्षरता अभियान में तो एक महीने तक पढ़ना लिखना सीखो मेहनत करने वालों नाटक करते रहे, गांव गांव में घूम घूम कर सही सुविधाएं हमको मिलती रहीं और हमने ये नाटक बहुत किए हैं साक्षरता अभियान के लिए। तो हमारे इसी अभियान के अंतर्गत हमारा जो अभिनय है वो काफ़ी बुलंदियों पर पहुंच गया था और एक दुर्घटना शायद आपको याद हो इंदिरा गांधी के साथ में भी, दुर्घटनाएं जीवन में अनायास से घट जाती हैं, छोड़ गई कुछ अमिट छाप और किसी की यादें मिट जाती हैं। कौन भुला सकता है 84 के दंगे, मानवता की हत्या में सब पड़े दिखाई नंगे, मुआवजा की रास बंदरों में बट जाती है, दुर्घटनाएं जीवन में अनायास घट जाती हैं। तो हमारे दुर्घटना के ऊपर भी लिखा हुआ, मतलब एक तरह से घटनाकार, मतलब रचनाकार कम और घटनाकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। और उस समय एक सियोल ओलंपिक और हुआ था तो खिलाड़ी जितने जाते हैं उससे ज़्यादा तो अधिकारी जाते हैं क्रीडियों को लेकर के, तो वहाँ पदक एक भी नहीं मिला, तो उसके ऊपर भी जो कलम थी वो मचल उठी, भूल नहीं पाएंगे सियोल की शिकत, आती है याद हर 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 वक्त, आती है याद हर 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 वक्त, भूल नहीं पाएंगे सियोल की शिकत। और फिर एक आदमी उम्मीद बनाता है, अगले ओलंपिक हेतु बार्सिलोना जाएंगे, पदक भले कोई ले जाए हम पदक तालिका लाएंगे। वो लातूर ढेर सारे कांड हुए, दिल में हमेशा उन घटनाओं के प्रति कुछ न कुछ। और उसी समय एक सिमगांव में बस का एक्सीडेंट हुआ था, बारात से बारात जाने वाली बस आपका झूम करके मतलब गिर गई, काफ़ी गहरे नाले में आग लग गई, तो उसमें बहुत लोग खत्म हुए। तो शोका कुर्जन संबंधी उदास, काले पन्नों में लिखा जाएगा इतिहास, दीन बंद दुख उनके दूर करना, भूल नहीं पाएंगे राम झरना। ये राम झरना में हमारे कोरबा की लड़की पिकनिक मनाने गई थी और लड़की डूबी थी उसके ऊपर था। और हमारे अंबेडकर साहब एक स्वर्ण जयंती, उनके 100 साल पूरे होने के अवसर पर नाटक बी आर तिश्रण की लिखी हुई किताब थी, उसी पर नाटक हमने उसको रूपांतर कर दिए, उसको नाटक के रूप में तब्दील किया, नाटक खेले। और जितनी भी पार्टियां थीं जो हैं देश में, तो उनके बारे में दो लाइन बता रहा हूँ उसी रचना का, स्वार्थ नीति की राजनीति तो लगी है, दलितों के अगुआ बनने की होड़ लगी है, सब उनके नेता बनना चाहते हैं। बहुत ये हमने एक पुस्तक छपाई थी, उसी पुस्तक में इसके अंतर्गत आपको दे रहा हूं। और उसमें लातूर में भूकंप भी आया और
गलती से वाजपेयी जी चुनाव जीत गए, तो वाजपेयी जी ने जसवंत सिंह को जयललिता को बुलाने के लिए भेजा। भेज रहा जसवंत सिंह को जयललिता तुम्हें बुलाने को, दलवल से चली आना भारत सरकार चलाने को। हम क्वारे तुम क्वारी आजा दिल्ली जश्न मनाने को, दलवल से चली आना भारत सरकार चलाने को। ए वाजपेयी जी बन गए। और उसमें जाट फर्नांडिस दूसरी पार्टी के थे, लेकिन वाजपेयी को बहुत चाहते थे, वाजपेयी के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, तो उनकी पार्टी वाले ही डरने लगे थे। बीजेपी का जार्ज पे हुआ ये असर है, समता पार्टी के विघटन का डर है। हमारे पिता की शादी के 50 साल होने पर हमने भिंड में आकर के उनकी स्वर्ण जयंती समनाया, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं अंदर से महसूस कर रहा था कि वो लोग क्या महसूस कर रहे होंगे, कि मन मृग भटक रहा मेरा जी के चौथेपन में, पल शक्ति छीड़ हो रही दुर्बलता बती तन में, पुरखों की ख्याताएं बच्चे पुलखों की ख्या बढ़ाए बच्चे यही लालसा मन में, और खोहरिया अब खोह से निकले फैल गए जंजन में। बच्चे भले ही माँ बाप का ख्याल न रखें, लेकिन माँ बाप मरते दम तक बच्चों की भलाई के लिए ही सोचते रहते। हमारे मध्य प्रदेश का विघटन हो गया, छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बन गया, और सबसे अधिक कारखाने हम समझ रहे हैं जो हमने देखा है पिछले कई सालों में, कि छोटा सा राज्य है लेकिन कल कारखानों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है, आमदनी वहाँ पे ज़्यादा है। तो छत्तीसगढ़ के धुर्रा हो गए सिल्वर और स्टील, मन के मन इंजीनियर हो गए डॉक्टर और वकील। अब हमारे उस समय राजनीति में कई महिलाएं बहुत सक्रिय राजनीति कर रही थीं, तो एक रचना थी हमारी उस समय की, आंटी। श्रोता से भक्त बने गिरजा आंटी, दिखाए इतने सब्ज बाग सोनिया आंटी, को दिखाए सिवाग माया आंटी, राज से सुराज तक सुषमा आंटी, सरकार को डिगा गई जया आंटी। ऐसे हमारे रचना क्रम, अभिनय का क्रम, और पार जो बच्चे बड़े होते जाने की शादियां, उनको भी तीन तीन कामों को एक साथ निभा रहे थे, और हमारी अभिनय यात्रा जारी थी। वाजपेयी जी लाहौर पहुंचे और उन्होंने आकर लाहौर बस से पहुंचे सद्भावना हमारी, कारगिल की चोटियां क्या बाप की तुम्हारी, बेकार में मनवा क्यों डर पे कायर बन बैठा क्यों घर पे, ले बांध कफन अपने सर पे। मतलब उसमें जोश वाली वीर रस की एक रचना लिख गई गलती से, वैसे हमारा हास्य रस और व्यंग वाला ज्यादा है। उस समय की जो सरकार थी, तो लोगों ने नेताओं से कुछ नहीं कहा। कटनी में एक हिजड़ा चुनाव लड़ा महापौर का, और महापौर में का चुनाव जीत गया, और इस बार एक विधायक भी बन गया। कटनी की जनता ने चुना किन्नर को महापौर,
पर्यवेक्षकों बस करो इसी बात पर गौर। किन्नर बिने विधायक स्वागपुर की बलिहारी नेता नाबूद हुए नेता त्रस्त बिचारी। सद्दाम हुसैन अमेरिका इराक या कुछ नाम कुछ दिनों में चर्चा के विषय बने रहे तो उसके ऊपर भी एक व्यंग है। अरे खड़े खड़े बतराए सभी मुखिया ने जुलम गुजारो है सोए रहो तो सुखिया घर में जाए के पथरा माओ है। और हमारी बड़ी लक्ष्मी तीन देवियां थी विजयलक्ष्मी सरस्वती और उमा। विजयलक्ष्मी शादी हो गई उसके बाद सरस्वती की भी हो गई। गई लक्ष्मी धन नहीं सरस्वती बिन ज्ञान उमा भवानी रह गई हो गया कल्याण। और हमारे वाजपेयी जी ने बालको हमारी कंपनी को बेच दिया स्टरलाइट के हाथों में। तो देखी कई उपलब्धियां हमने कमाल की निजीकरण के बाद लोग खाल खींचे बाल की। जो अभी आप सुन रहे होंगे कि मोदी ने लाल किला बेच दिया मोदी ने रेलवे बेच दी मोदी ने भी बेच दिया तो ये काम बहुत पहले हो गया था। क्या सरकारी में हम भी सरकारी में काम किए हैं तो उस हमको अपना क्या हमको पैसा तीन साल हमको 1,000 बढ़ाओ 2,000 बढ़ाओ हमेशा पैसा बढ़ाने की ही बात होती है। काम करने घंटे 8 घंटे में भी हम 3-4 घंटे कैंटीन में बैठ के बिताना चाहते हैं। हम लेना अधिक चाहते हैं करना कम चाहते हैं। इसलिए निजीकरण करने से पैसा मिल जाता है लोग काम करते हैं उनको कम पैसा मिलता है तो लोगों को ज़्यादा चिंता रहती है। अभी भी स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं जिनको 8,000 रेगुलर 8 घंटे स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए और जो 80 ले रहे हैं उनको भी नहीं मालूम हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है राज्यपाल कौन है राष्ट्रपति क्या है सबके नाम भी नहीं मालूम। वो सब ले दे करके सबको नौकरी दी जाती है अपने अपने लोगों को नौकरी लोग दिलवा देते हैं। हम आपको अपने जीवन से बहुत निराश होकर के कोशिश किए जितने भी हम जानते थे उपाय मरने के हमने सब उपाय किए। जितना चाहा था हम उतनी लिए वार से लाकर हला हल पी ली देखिए बदर जहर पच गए शुक्र है खुदा का हम बाल बाल बच गए शुक्र है खुदा का हम बाल बाल बच गए डूब कर मरने का बन गया मंसूबा कूद पड़ा कुएं में फिर भी नहीं डूबा शुभ चिंतकों के द्वारा ऊपर ही खिंच गए शुक्र है खुदा का हम बाल बाल बच गए। जोरू को मारा पीटा बच्चों को मैंने झिड़का फिर जलाई तीली पर मिट्टी का तेल छिड़का जले हुए कपड़े बदन के सारे नुच गए शुक्र है खुदा का हम बाल बाल बच गए। अब जलने से थोड़ा कुरूप हो गया तो कुरूप देख मुझको सब लोग करे हांसी कुरूप देख मुझको लोग करे हांसी फंदा गले में डाला जैसी लाई फांसी अरे आरे मात मेरी आन मेरे खिंच गए शुक्र है खुदा का हूं बाल बाल बच गए। तो हम थोड़ा कर लेते थे तो मैंने कहा हमारे यहाँ दुर्घटनाओं में भी कई लोग मर जाते हैं चांस है एक उसमें भी तो दुर्घटनाग्रस्त होने में बन के चला पागल दुर्घटनाग्रस्त होने में बन के चला पागल किंतु मैं मरा नहीं परंतु हुआ घायल अरे जाको रसाइया कबीर दास सच कहे शुक्र है खुदा का हम बाल बच गए शुक्र है खुदा का हम बाल बाल बच गए। हमारी कंपनी में एक ग्रीन कार्ड योजना आई थी जिनका एक या दो बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा एक इंक्रीमेंट उनको दिया जा रहा था और योजना तब आई जब हमारे 3 बच्चे हो गए थे हम तो योजना के बाहर हो गए पहले ही थे योजना आई हम पहले से बाहर तो हमने उसमें
हमारी कंपनी में क्या देखते थे कि इस साल 1,00,000 टन हुआ है एल्युमिनियम, अब 1,10,000 टन होना चाहिए, मतलब बढ़ाने को प्रोत्साहन दिया जाता था। तो अपने भड़ास उस समय भी निकाली, तो ग्रीन कार्ड की योजना से हमको मजबूरी में बाहर होना पड़ा क्योंकि योजना लेट में आई, हमारे 3 बच्चे हो गए थे। तो 2 से अधिक बच्चों का पालन पोषण हार फिर नहीं क्यों देते हैं उनको ग्रीन कार्ड? है लक्ष्य हमारा टारगेट, जब लक्ष्य हमारा अधिक उत्पादन तो ज्यादा बच्चों वालों को देना होगा प्रोत्साहन। जिस घर में बच्चों की लाइन लगती है वहां किसी की कमी नहीं खलती है, चोरी से लाएंगे या सीना जोरी से, इकलौता ला नहीं सकता कमजोरी से। जो बच्चों से अपना घर भरते हैं सदा पड़ोसी झगड़े से उससे डरते हैं, अरे सहोदरों की जब क्रिकेट टीम बनेगी तो राष्ट्र भावना न सही, अरे भ्रात भावना तो रहेगी। बुजुर्गों के आशीष को साकार बनाना है तो पूतों फलेंगे तभी तो दूध में नहाना है। ये जनसंख्या के लिए लोग कहते थे सरकार के खिलाफ आप लिखते, सरकार के खिलाफ नहीं लिखते, हम तो अपने उसमें लिख रहे थे सन में कि हमको 3 बच्चे होने के बाद ये योजना आई, पहले ही आ जाती तो हम भी उसका कुछ लाभ ले सकते थे। और सुना सर, अब हम ग्वालियर के अनिल शर्मा, हमारे अक्सर दिए थे फिल्म में हीरो का बाप बना के, एक अयोध्यानाथ जोशी जो हमें संतोष याग्निक के घर ले गए, और संतोष याग्निक, अयोध्यानाथ जोशी, T.S. परमार और ग्वालियर के 8-10 कलाकार रतलाम पहुंचे। उज्जैन में वहां एक फिल्म थी बलपुर की डकैत, अभी तक पर्दे पर नहीं आई है लेकिन तैयार है। वो धौलपुर की डकैत में संतोष का मेन कैरेक्टर था जग्गा डाकू, और हम उनके डर के मुनीम का रोल किए थे। कोरवा में हमारे क्रांति शर्मा जिन्होंने हमको कई अवसर दिए, उसके साथ में नेहरा से B.R. सत्यदीप, उनकी फिल्म धर्म चक्र थी उसमें भी हम काम किए थे, लेकिन उन फिल्मों का कोई वैल्यू नहीं है। अब हम जो काम कर रहे हैं आज की तारीख में वो OTT प्लेटफार्म पर, तिवारी जी की 4 फिल्में OTT प्लेटफार्म पर आ गई हैं, जिसमें बाटर एक साजिश सबसे पहले आई थी, पनियाई भी आ गई, और 2 फिल्में, 4 फिल्में तिवारी जी की उसमें OTT पे है, हथकड़ी भी है शायद उस पर। अब OTT पे एक फिल्म हमने अतुल सोनी की फिल्म है कर्मा, उसमें भी काम किया हूँ, और एक फिल्म जिसमें हम हमारा जो करेक्टर था अल्टी का जो बाद में रहता था, और एक थी स्कूल नाइट स्कूल जिसमें स्कूल का जो सेक्रेटरी है उसका करेक्टर किया हूँ, और एक धौलपुर में शूटिंग हुई थी इंस्पेक्टर अविनाश, उसमें भी एक दिन मतलब वहाँ भी आके उसमें करेक्टर करके आ गया हूँ। तो OTT के भी कई कार्यक्रम हो गए हैं, और वहाँ छत्तीसगढ़ में तो लोग हमको कलाकार के रूप में जानते ही थे, अब यहाँ भी कुछ जान पहचान ऐसी बनने लगी है। एक्टिंग के बहुत हमारे पास में पूरा एक 8-10 वो हैं जिसमें हमने एक्टिंग मतलब नाटक किए हैं, इन नाटकों का हमारा ये सिंहासन खाली नाटक का है, ये थैंक यू मिस्टर ग्लाड का, ये भी थैंक यू मिस्टर ग्लाड के नाटक के हैं, और ये सब आप देखिए, सिंहासन खाली, जनता पागल हो गई, ये 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे ग्राउंड में जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें हम लोगों की पार्टी डांस किया करती थी मैदान में, ये हमारी ढेर सारा जो शील्ड वगैरह मिलती थी,
ये हमारे सम्मान वगैरह। ये हमारी जो पुस्तक का विमोचन हुआ था उसका है, ये दशमत कहना छत्री नाटक है, ये हमारे गंगाधर के निर्देशक थे, इसका जो बताया साक्षरता वाटक, अंधायुग नाटक इसमें दरबान का काम किए थे, ये भी अंधायुग का है। ऐसे कई हमारे ये भरे हुए रखे हैं ये डांस पार्टी का। कई सम्मान प्रमाण पत्र दे रहे हो, अब सन 76 से लेके अभी तक आप समझ लीजिए कि 40-45 साल हम अब नए से जुड़े हुए हैं। और ये पता नहीं कीड़ा का खतरा, हम तो जब तक जान है तक जहान है, और तब तक हम चाहते हैं लोगों को खुश रखें, लोगों को इज्जत दें, लोगों को हंसाएं, बस यही एक कलाकार की जो कामना है उसी को पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया हूँ। अब भगवान ने उनको साथ छोड़ा लिया है तो हो सकता है हमको कुछ दूसरी कुछ नई जिम्मेदारी दी गई है, हमारे लिए कुछ लिखा गया होगा जो हम कर रहे हैं पूरा। और हमारा यही एक कुटिया है जिसमें हम सब अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ी इधर अलग यहाँ, और हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे लड़के का लड़का हमारा नाती है जो सेवा कर रहा है बेचारा, बीच बीच फोटो एक काम करता है, और एक फिल्म में शायद इसने भी काम किया है, बाटर एक साजिश में इसने भी काम किया था। और अब टी ब्रेक। और इस टी टाइम के बाद हम पुनः मिल रहे हैं, हमारे साथ हैं और इसे आए हुए हमारे सहयोगी कलाकार सागर गुप्ता, विजय तिवारी के साथ हम लोगों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है, और खजुराहो महोत्सव में जाकर के हम लोगों ने कई कलाकारों से, निर्माता निर्देशकों से मुलाकात की है और अपनी एक पहचान बनाई है। और सागर गुप्ता ने तो उत्तर प्रदेश में अपनी वो पहचान बनाई है कि गंगा मैया इनको हमेशा अपनी गोदी में लेकर के घूमती रहती हैं। हम सागर गुप्ता का धन्यवाद करते हैं कि जो उतना दूर से आकर के आज साक्षात्कार में हमें अपने सामने बैठा करके हमारी 65 साल की जो जिंदगी है उसको धीरे धीरे करोड़ रहे हैं। और हम बताना चाहते हैं कि अब नहीं किया है बरसों, अब छोड़ गए हदबंदी, अब बातों बातों में करने लगे तुकबंदी, शब्दों का भंडार रिक्त, छल छंदों का ज्ञान नहीं, पूर्ण अपरिचित अलंकार से मात्राओं का ध्यान नहीं, अज्ञानी ज्ञानी कहलाए,
जिनकी हो कोई गुटबंदी, अब बातों बातों में करने लगे तुकबंदी। तो अब हम अपना परिचय साहित्यिक रूप से दे रहे हैं। माँ बाप के मध्य बने, माँ बाप के मध्य जाने कैसा हो गया सौदा, और 65 साल पहले ही एक कलाकार हो गया पैदा। भिंडी रिस्की तपोभूम, इमरजेंसी में छोड़ दिया, कोरवा की कर्म भूम से अपना नाता जोड़ लिया। बालको सांस्कृतिक मंडल, बरसों तक मंचों पर अभिनय, रंगमंच से बॉलीवुड में हुआ पदार्पण सबने। अब नए किया है बरसों, अब छोड़ गए हदबंदी, अब बातों बातों में करने लगे तुकबंदी। छत्तीसगढ़ से आकर भी अब नए से नाता जुड़ा रहा, ऑडिशन में इंदौर भोपाल और याज्ञिक के संग खड़ा रहा। शॉर्ट फिल्म निर्माता रिपोर्टर विजय तिवारी करेक्टर में ढाल कर जगह बना देते हैं हमारी। 5 फीट 2 इंच भाई, कद नहीं बहुत बड़ा है, 5 फीट 2 इंच भाई, कद नहीं बहुत बड़ा है, और लाइन वहीं से लगती है विप्र जहां पे खड़ा है। ये था हमारा परिचय। हमारी एक फिल्म जो OTT पे आ गई है, उसका एक गाना है जो फिल्म में डाला नहीं गया है, डाला नहीं जा सका। अरे चोरी हो गई भैंस हमारी, चोरी हो गई भैंस हमारी, रवाती एक नहीं गया, लोहे की साकर से बांधी, खड़ी घोड़ा के और भैया, मोड़ लायो सूद पे 60,000 रुपया, चोरी हो गई भैंस रवानी एक नहीं गैया। ये 10-15 गैया ठाड़ी हैं, एक रवानी नहीं, और नाच मिटे ठटरी बांधे ने, मेरा खूंटा कर दो सुनो, नाच मिटे ठटरी बांधे ने, मेरा खूंटा कर दो सुनो, पटियावारे बाबेरी को नुकसान कर दियो दूनो, मोड़ा मोड़ इनको छाती से लगाए, घर में रोए लुगैया, और चोरी हो गई भैंस रवानी एक नहीं गैया। द्वारे पे रोज भूसती मर गई काकुतिया, सांझ सबकारे रोटी खवावे ऐसो डोकरा चूतिया, और जेवर खेते सब गहन धरे घर में कोड़ी कानी नहीं है, और चोरी हो गई भैंस रवानी ने को नहीं गई है। और वहां पर एक बुजुर्ग थे, समझदार थे, उन्होंने कहा अरे चाचू के मोर अंत कह दो, हाल पता पच जाएगा, अरे थोड़ी बहुत पनियाई लगेगी भैंस घरे कट जाएगा, अरे चंबल का पानी है ऐसा, धरा उठी पुरखंते, और दो प्रदेशन की सीमा में कछु न कहियो लड़कंते, अरे जाने काई की ऐंट भरी है, मोनी मोड़न में जाने काई की ऐंट भरी है, उफनत ऊपर आएगा, अरे थोड़ी बहुत पनियाई लगेगी भैंस घरे कट जाएगा। एक पनियाई का गाना था जिसका उपयोग नहीं हो पाया है। आपके सामने बालकों में जो हमने काम करते थे उस समय, जो मंत्री संति जो भी आते थे सांसद मंडल का, उनका उपयोग होता था। सबको बताऊं कैसे, ये हमारी नहीं, हमारे सांस्कृतिक मंडल की कथा है और उसी की व्यथा है। सबको बताऊं कैसे, क्या हमने किया है काम, जिसने जब भी चाहा
मुझे कर दिया बदनाम। हुआ जन्म जब मेरा दूर हुई तन्हाई, फूटा नहीं ढोल कहीं बाजी नहीं सहनाई। मिल गए कुछ लोग गायक और वादक, दो चार उन्हीं में निकले पूर्ण कला के साधक। एक था गधा मेरा पहला प्रोग्राम, सबको बताऊं कैसे क्या हमने किया है काम। थैंक यू मिस्टर ग्लाड का सिंहासन खाली है, जादू के जंगल में ज्योति मुर्गी वाला गाली है। देख कर मशीन को जनता हो गई पागल, सभा सिर गेहूं के लिए लखोर दादा घायल। लड़की पर क्या करेगी घर में मचा कोहराम, सबने जैसा चाहा कर दिया बदनाम। मंदिर कैसे बना होगा कर रहे थे वकालत, बम्बई का नाई कर गया तब तक मेरी हजामत। कथा मंगलपुर के आज भी अब साफ है, घूम में जनाजा रखना सबसे बड़ा पाप है। मैं नदी आंसू भरी बहती हूँ चारों धाम, जिसने जब भी चाहा मुझे कर दिया नाम। ट्रेन इज वन अवर लेट, कर्फ्यू लगा शहर में, कोई मुक्त का मार्ग नहीं अवर सेफ्टी घर में। भाग रही है गिरगिट लेकर चार टांगे, ऐसे किया विसर्जन स्वच्छ देवी से बिन मांगे। परीक्षा की अंतिम घड़ी मत देना इल्जाम, जिसने जब भी चाहा मुझे कर दिया बदनाम। लोरिक चंदा पंडवानी ये सब खेल तमाशा, आज तलक भी भरमपुर भूत का छाया हुआ कुहासा। लोक रंजनी लेकर आए कर्मा सुदरिया, गेड़ी पंथी देखने विप्र नव में छाए बदरिया। मेरी इज्जत का सवाल करो कबूल सलाम, सबको बताऊं कैसे क्या हमने किया है काम। दसमत कैना के ऐना में हो गए हैं फेल, चरणदास चोर के संग दर्शक भी गए जेल। लोक कला महोत्सवों में आयोग आयोजक सभी साल, स्कूलों के वार्षिक उत्सव में गूंजे हमारी लय और ताल। अपाहिज कर चले ब्रिप कठपुतली की टोर समाई, सबको बताऊं हमने कैसे किया है काम। जिसने जब भी चाहा हमें कर दिया बदनाम। तो साथियों, हम अभी बने हुए हैं बलराम शर्मा जी सर के साथ, जो कि ग्वालियर से हैं और राइटर हैं, और फिल्म का कभी डायरेक्शन भी किया उन्होंने, और बहुत सारे व्यंग लिखते हैं, बहुत सारे लोगों पर टीका टिप्पणी करके लोगों को टेंशन देते हैं, और खुद हंसते और खिलखिलाते रहते हैं, और बहुत अच्छे एक्टर हैं, उम्दा एक्टर हैं, और बहुत समय से काम कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक हो और चाहे थिएटर हो, या आप कहें फिल्म लाइन, या हर तरीके सीडी से लेके जहाँ से हम फिल्म की शुरुआत देखते हैं वहाँ से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की, और एक अच्छा मुकाम है, एक अच्छा सफ़र है इनका जो अभी आप सुन रहे थे इनको। और बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, और इनके सम्मान में मैं क्या बोलूँ, ये खुद ही अपने आप में एक मतलब ऐसे व्यक्ति हैं कि आप खुद इनको देख के, उनके व्यक्तित्व को देख के। बाकी मैं सर से चाहूँगा कि कुछ चीज़ें वो ऐसी बताएं जो हमारे दर्शक, हमारे चैनल से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, जो भी जुड़ें, तो वो कुछ सीखें उनके जीवन से, और कैसे जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे हम लोग उनका सामना करें, कैसे क्या सीख दे सकते हैं सर, फिल्म लाइन से हो या जीवन से हो। तो बलराम शर्मा जी आप आगे बताइए सर, प्लीज। मन से जुड़े हुए सभी दर्शकों को नमन।
हम रंगमंच के कलाकार, आप दर्शक जो रहते हैं, प्रेक्षक जो रहते हैं, जो तालियां बजाते हैं, हमारा वही पुरस्कार होता है। हम अपनी कला के माध्यम से लोगों को हंसाते हैं और हम लोगों का यही कर्तव्य होता है कलाकारों का कि लोगों की भावनाओं को उद्दीलित करें, उन्हें आनंद दें, आनंदित करें, ये हमारी भावना रहती है कलाकारों की सबकी। हाँ, रंगमंच के कलाकार पैसों के लिए काम नहीं करते, हमने तो खैर सरकारी कंपनी में काम किया है और हमारी संस्था बन गई थी और हम बहुत सालों से रंगमंच से जुड़ा रहा हूँ। लोग शोहरत, दौलत, भ्रष्टाचार कई चीज़ों में समझदार सब करते हैं, भारत में भ्रष्टाचार, ये भी एक हमारी रचना थी। तो अपने आप को खुशी उसी में मान लेते हैं कि हमने चलो आज दारू पी ली, आज मुर्गा खा लिया, आज हमने जुआ खेल लिया, आज हमने दूसरे गलत गलत काम कर लिए, और वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, चलो आज हमने मुर्गा फंसाया, और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने परिवार को नहीं देखते। और कार ऐसा है जिसको जो आत्मा है ना बहुत जल्दी पिघल जाती है और सबकी मनोभावनाओं को समझता है। हमने जो कुछ भी किया अपने रंगमंच के माध्यम से तो एक दौलत भले नहीं मिली लेकिन शोहरत तो मिली थी, उस समय भी शोहरत मिली थी। हमारे पिताजी पूछते थे कि तुम्हें ये सब काम करने से क्या फायदा, अभी भी लोग बोलते हैं कि आपको ये करने से क्या फायदा। हमने फायदा के लिए वो काम नहीं किया, फायदा के लिए सरकार हमको पेमेंट दे रही थी, काम कर रहे थे उसकी तनख्वाह मिलती थी, बाकी का जो टाइम बचता था तो कोई LIC का एजेंट था, कोई कुछ कर रहा है, कोई RTO काम कर रहा है, मतलब दूसरे काम अपनी बीवी के नाम से कर रहे थे, लेकिन हमने कभी उससे पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा। जो मिल रहा था साईं उतना दीजिए, जहाँ मैं कुटुंब समाए तो हमारा कुटुंब आराम से पल रहा था, कोई फालतू ऐसे अपना शौक पाले नहीं है। जब हमारे सब साथी लोग जो हमसे 15 साल बाद में आए थे, जब वो स्कूटर मोटरसाइकिल ले लिए, तब हमको ध्यान आया अरे साइकिल की बजाय नहीं हमको भी स्कूटर लेना चाहिए। पहले तो हमने जो पैसा बचता था घर वालों से पूछते थे, बड़ों से, कि अब इतना पैसा हो गया हम गाड़ी ले लें, बोले नहीं लो यहाँ प्लाट ले लो, तो भिंड में प्लाट ले लिया, ग्वालियर में ले लिया, कोरबा में ले लिया, मतलब प्लाट लेते गए। वो प्लाट उस समय जो कहा गया था वो हमारे बाल बच्चों की शादी के समय हमको बहुत बड़ी सहायता मिली। एक स्कूटर लिया था हमने 92 में, 15,000 का स्कूटर 15 साल के बाद में 1,000 का रह गया, वो इस समय 10,000 का लिया हुआ प्लाट 1.5 लाख का हो गया। ग्वालियर में जो लिए थे 20,000 का, वो 8.5 लाख का हमने बेचे। तो जिनसे भगवान ने हमको वैसी प्रेरणा दी कि आपका अपना जो अभियान है, आप पैसे ऐसे पैसे के लिए हम दूसरा धंधा करते, कुछ और करते, पैसे छुड़ाते, बच्चों की शादी करना है, लेकिन भगवान ने हमको तरीका, हमारे बड़ों के मार्गदर्शन में हमने वो काम किया कि पैसा हमारा समय समय पर मिला और हमने सब शादी ब्याह आराम से निपटा लिए हैं। हमारे परिवार की परंपरा रही है बड़ों की बात पर आंख मूंद कर विश्वास करना कि वो हमारा बुरा नहीं चाहते, भला ही चाहते हैं। हाँ, आप लोगों से इतना ही कह सकता हूँ कि अपने बड़ों की बात को सही ढंग से सुने, समझें, अमल में लाएं। आज हो सकता है कि आपको 30-40 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलने लगे और घर वालों से जिद करें कि हम तो कार खरीदेंगे, तो वो कार भी हमारे नज़र में बेकार है क्योंकि आपने बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन किया है और 3 लाख की कार आपके 4 साल के बाद 1 लाख की कार रह जाएगी, फिर आप कहें हम 10 लाख वाली खरीदेंगे। आप कुछ बना नहीं सकते, क्योंकि लिए कुछ नहीं करते। समाज में जो और भी कई काम जिनको अपनी नौकरी में रहते हुए निभाया है, आना जाना है, शादी ब्याह है, सब कुछ करना है, तो अपने वाले या ससुर वाले उसका दूसरे जो रिश्ते हैं बुआ फूफा मौसी मौसा उनमें भी आपको सामंजस्य बना के चलना है। तो कुछ ना कुछ जो भी कमाते हैं उसी में आप बचत करना सीखें। खर्च करना तो कोई भी कर देता है, आप बचा करके वो ऐसी योजनाओं में पैसा लगाएं
कि आप पैसा बढ़ाए, अगर वक्त बेवक्त कुछ बीमारी बीमारी आ जाए, बड़ा खर्चा आ जाए, आपका पैसे आपके पास होगा तो आपकी कुछ मदद करेगा। पैसे को दुरुपयोग कतई मत करें, उसको भी लक्ष्मी माना गया है, लक्ष्मी की आप सेवा करें, उसको बढ़ाएं, आप कम से कम में जितने में गुजारा कर सकते हैं वही करें। अब जरूरी नहीं है कि आप पिज्जा बर्गर खाएं, घर की बासी रोटी भी तो खाएं, नमक रोटी खा लेंगे वो आपको ज़्यादा हित करेगी। अब कर्ज लेकर के पिज्जा बर्गर भी खाते हैं वो भविष्य के लिए बेकार है, आपके बच्चे ही आपसे कहेंगे आपने हमारे लिए किया क्या है। तो कुछ इतना तो करके छोड़ जाओ कि जब आपके बच्चे भी आपको कहें हमारे बाप ने जो किया है अपना करके बहुत कर दिया है। भगवान सब देख रहा है, कई करोड़पति अरबपति इस कोरोना काल में नोटों के बोरा भर भर के रखे रहे, ना उन्हें इंजेक्शन मिल रहा था, ना वेंटिलेटर मिल रहा था, और कोई सहायता नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हो पा रहे थे। तो पैसा हर जगह काम नहीं आता है, पैसे से हाँ, हालांकि पैसा बड़ी चीज है, लेकिन ये नहीं है कि पैसा के लिए अपने सारे रिश्ते नाते धर्म कर्म सब छोड़ दो। जीवन कल क्या होगा उसको भी सोचो, और आज के दिन को आप खुशहाल बना लोगे, और हर दिन के आज को जितने भी दिन जिंदगी में आते जाए आप सोचो हमको हर दिन अपना खुशहाल बनाना है, तो आपका पूरा जीवन खुशहाल भी देगा। होता क्या है, भगवान देता बहुत है लेता बहुत कम है। अरे हम ही आए घर में 65-70 साल से मैं देख रहा हूँ, घर में 10-5 पुरखे मरे होंगे, लेकिन बहुए आए, इतने लड़के हुए नाती हुए, तो भगवान ने 100 दे दिए घर में, तब आपके 10 लिए। हम अब जिंदगी भर रोते हैं हमारा मोड़ा मरेगा, हमारी मम्मा मर गई, तो वो आपका गलत है। आपके घर में जो आए हैं अब उनको सुखी रखिए, आत्मा ही परमात्मा है। हर आदमी की जो आत्मा है उसको परमात्मा समझो, अपने परिवार की भी आत्मा परमात्मा समझोगे, रिश्तेदार की समझोगे, अपने अगल बगल जो समाज है जिनके बीच में आपको रहना है सबको आप मान सम्मान देंगे तो मान सम्मान मिलेगा। आप किसी को गाली देंगे गाली मिलेगी, आप किसी को सुबह उठ के राम राम करेंगे तो सामने वाला गाली नहीं देगा, वो राम राम ही करेगा। आप व्यवहार के समाज में वो उसी हिसाब से मिलेगा। ये हमारा तो पर्सनल शौक था एक्टिंग करने का। हम देख रहे हैं जो भागवत पढ़ते हैं भगवान का काम कर रहे हैं पंडित जी, वो भी झोला भर के नोट ले जाते हैं, क्योंकि भगवान उनको देता है, वो भगवान का काम कर रहे हैं। हमने जो किया है अपने वाला नाट्य शास्त्र, ये भी एक शास्त्र है, और उसमें जो काम कर रहे हैं तो हम तो देख रहे हैं भगवान किसी न किसी माध्यम से हमको दौलत नौकरी में से माध्यम से दिलवाई, और सौलत हमको इस माध्यम से दिलवाए कि हम छत्तीसगढ़ से आकर के ग्वालियर में 2-4 लाख लोग रहते होंगे, उनके बीच में कुछ लोग हमको भी जानते हैं, वो हमारे इसी अभिनय की वजह से। हमने अपनी रचनाएं सहयोगी संकलनों में भेज करके कम से कम 30-40 रचनाएं बाहर भेजी हैं, सब जगह छपी हैं, उन्होंने अपने संकलन को बाहर भेजा, तो हमारा नाम मतलब बलराम शर्मा विप्र के नाम से जब साहित्य में आता हूं तो बलराम शर्मा विप्र के रूप में हमको लोग जानते हैं, और बाकी बलराम है ही। हालांकि कोरवा हमको कोई बलराम भी नहीं जानता था, बीआर शर्मा कहते थे, वहाँ जितने दिन रहा हूँ बीआर शर्मा ही रहे। अच्छा है आप लोग भी आज को अच्छा बनाने का प्रयास करें, किसी को दुखी ना करें। अरे नौकरी मिलना नहीं मिलना ये सब हमारे जो शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्व जन्म में हमने क्या किया है वो उसका प्रारब्ध में हमारा साथ चलता है, उसके हिसाब से लोग देखो कुत्ते भी गाड़ियों में घूमते हैं और आदमी भी सड़कों पर सो करके गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि उनके कर्म वो आदमी तो बन गए हैं, कि कहीं ना कहीं कोई गलत उनसे ऐसी भूल हुई है जो अमीर नहीं बन पाए, ऐसी उन कुत्तों से कुछ गलती हुई है जो आदमी नहीं बन पाए, कुत्ते बने लेकिन वो पूरी आदमी से ज़्यादा सारी सुविधाएँ भोग रहे हैं। लोग देख के ही कह देते हैं अरे यार इनको गऊ है, मतलब पिछला जन्म जरूर उसका ऐसा गाय से हुआ, गाय से मनुष्य के रूप में हुआ है, तो उनमें कुछ कुछ बातें पिछले जन्म की रह जाती हैं। लोग बड़ा खूंखार आदमी है तो मतलब वो पिछले जन्म में कुछ रहा होगा ऐसा खूंखार शेर लगड़ होगा तो उसको अभी दिखता है, इसलिए अभी ऐसा कोई छल कपट न करें कि पता चले कि आपका बाकी का जीवन
या तो जेल में जा रहा है। अभी सुनते हैं दो चार दिन से बात चल रही है कि शाहरुख खान का लड़का जेल चला गया है। तो आपके 800 करोड़ 900 करोड़ कितने हजार करोड़ है कोई मतलब नहीं है। आपको तुलसीदास जी ने पहले कहा है, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ सब परमात्मा के हाथ में है। आदमी कुछ नहीं पता कि लोग कहाँ क्या कर रहे हैं। पता चल रहा है कि दुर्गा विसर्जन गए, गए थे दुर्गा जी को सिराने के लिए, पता चला कि चार लोग डूब गए। महंगाओं की घटना है, लड़के डूब गए। जब तो खुशी का माहौल बनाकर गए थे, उनके परिवार कोई नहीं जान रहा था, लेकिन आ जाता है। तो आप ये मत सोचोगे हमको 250-300 साल जीना है, जितने अत्याचार वो करना है कर लो, पैसा कमा लो, चोरी डकैती भ्रष्टाचार जितना काम करना है कर लो, लूट लो। एक कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। हम ग्वालियर में हैं और ग्वालियर में महाराज माधव या उनकी माता राजे सिंधिया राजघराना है। अंग्रेजों के ज़माने में इनका नाम आ रहा था, मतलब उसके पहले से राजघराना है। अब इनको कोई फिल्म विल्म के रूप में अगर रहते समाचार रहे तो समझ दिख गए, अटल बिहारी प्रधानमंत्री तो समझ दिख गए। आज के अटल बिहारी को किसी चैनल में दिखता है? नहीं दिखता। तो ऐसे इनको नहीं दिखता। अरे हम लोग बिल्कुल जैसे भगवान जैसे रख रहे, जाई भी दे राखे राम ताई भी दे रहिए। तो आज दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, अभी फ़ोन कर दें कि हमारा फलाना नंबर है, कानपुर में दिख जाएंगे, कोरबा में दिखे, आपके जम्मू कश्मीर में दिखें, कन्याकुमारी कहीं भी हमको देखा जा सकता है। तो आप अपने प्रयासों से करते हैं। अभी एक ओलंपिक एक 23 साल का लड़का नीरज चोपड़ा, और उसने ऐसे भाला लिया फेंक दिया, लेकिन वो भाला दूसरे देशों के दूसरे लोगों से बहुत आगे गिरा। तो 23 साल का लड़के का नाम हो गया है, स्वर्ण पदक लेके आया है, दुनिया में नाम हो गया, क्योंकि ओलंपिक तो दुनिया के खिलाड़ी भाग ले रहे थे ना। तो किस आदमी का कहाँ नाम हो जाए। एक भीख मांगती थी कलकत्ता में, उसका एक गाना वायरल हो गया, लोग वहाँ बॉम्बे ले गए, उसको लाखों रुपया मिले, गाना ना गा रही थी, भिखारिन थी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक लड़का है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अरे बच्चा ही है, उसकी बचपन का क्या प्यार होगा जिसको कोई भूलेगा। लेकिन वो रचना किसी दूसरे की थी जिसको उसने गाया, वायरल हो गया। तो पता नहीं चलता कब कौन वायरल हो जाए, कब कहाँ लोग बोलते हैं त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना कुतो मनुष्या। मनुष्य के भाग्य को देवता भी नहीं जानते। अभी कुछ दिनों पहले आईपीएल का मैच खत्म हुआ है, उसमें जो टीमें खेल रही थी उनके जो खिलाड़ी नए सिलेक्ट हुए थे उसमें देखना, कोई गुपचुप बेचने वाले का लड़का है, कोई सब्जी वाले का है, कोई ऑटो वाले का, ऐसे ऐसे लड़के करोड़ों रुपये आपके एक महीना क्रिकेट के करोड़ों रुपये उनको मिल गए हैं गरीब घर के। कई लड़के डांस में जाते हैं, कई शो चलते हैं जिसमें गाने के लिए और नाचने के लिए लोग जा रहे हैं, और लाखों लोगों में पहचान भी बन रही है, गलत ही है। सब अपना अपना भाग लेके आते हैं, अपने भाग खाते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे के लिए उसके लिए कर रहे, कोई किसी के लिए कर रहा। आप अपने लिए करने की सोचो, कुछ अपने लिए बचा के रखो, वो बच जाएगा, बच्चों को मिल जाएगा, वो उनका भाग्य है। उतनी प्रॉपर्टी उनका हक लिखा होगा उनको मिलेगा, वो आप रोक नहीं सकते, कहीं ना कहीं से मिलेगा। जो नेता आज हैं इसी अवस्था में नहीं थे। मुलायम सिंह दंगल में करते थे, मास्टर थे, पहलवानी करते थे, और आज उनका घर देखो। लालू यादव 9-10 बच्चे थे, उनको पेट पालने के लिए दाल नहीं बना पाते थे एक टाइम की, उनके घर का हालत देखो। सब अपने अपने हिसाब से बड़े हैं। मायावती है, मतलब जो भी नेता हैं, अभिनेता हैं, कलाकार हैं, सब यही सी हालत नहीं थी। ये लोग भी बहुत स्ट्रगल किए, लेकिन आज उनके पास पैसे का बहुत बड़ा भंडार है। आप लोग ये मान के चलो भगवान ने आपके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ छोड़ी होगी जो आपको करेगी। सर आपसे एक सवाल है हमारा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने जो भी कलाकार हैं साथी या नए जो लोग आ रहे हैं या जो भी छोटे स्तर से या बड़े स्तर से काम कर रहे हैं, तो उनको उनके लिए उनके कैरियर के लिए और फिल्म लाइन में कैसे वो अपना कैरियर बनाएं, कैसे किन लोगों से मिलें, कैसे मिलें, क्या करें जो भटके ना और सही रास्ते पे सही तरीके से, क्योंकि उनको भी लोग कहते होंगे, हंसते होंगे, और वो तो एक शुरुआती एज में हैं, काम कर रहे हैं, शुरुआती क्षण है उनका, कि वो कैसे काम करें, पैसा उनके पास भी नहीं है, हो सकता माँ बाप भी
हर माँ बाप एक जैसे नहीं होते ना कि मोटिवेट करें कि बच्चे में ये टैलेंट है चलो अच्छा। माँ बाप ये भी बोलते होंगे कि पैसा नहीं है तो एक काम कर, पैसा तो है नहीं और सबसे बड़ी बात तू पैसा कमा, मतलब ये क्या फल काम कर रहा है। तो ऐसे कलाकारों के लिए आप क्या मैसेज, क्या संदेश और क्या रास्ता बताना चाहेंगे जिससे कि लोगों को एक आपकी बात से बहुत अच्छा मोटिवेट मिले और वो ना टूटे ना बिखरे रास्तों से, एक सही रास्ते से उन्हें एक मंजिल मिले कलाकारों के लिए। कलाकारों का और आम लोगों का खंतन नहीं है। जब हम बालकों में गए थे तो हमने कोई आईटीआई नहीं करी थी, लेकिन जो आईटीआई करके बालकों गए थे तो वो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, बेल्डर, उन चीज़ों में उनका जेईटी कहलाते थे अप्रेंटिस में। हम जेओटी ऑपरेटर ट्रेनिंग थी, वो अप्रेंटिस वाली ट्रेनिंग में थे। ऐसे जो एक्टिंग के क्षेत्र में जो बड़े बड़े कलाकार आज दिख रहे हैं, उन्होंने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया, फिर दिल्ली में एक्टिंग का कोर्स करते हैं। ग्वालियर के कलाकार या राजा मानसिंह तंवर में एक्टिंग का कोर्स करते हैं। बॉम्बे में और भी कई संस्थाएं हैं, वो अनुपम खेर जैसी कई संस्थाएं खोल के रखे हैं जो एक्टिंग का कोर्स कराते हैं। जब तक उस कोर्स की आपको बेसिक जानकारी नहीं है, हमने अपने लड़के को डॉक्टरी नहीं पढ़ाई, हम उसको बोले आप डॉक्टरी दुकान खोल के बैठ जाओ, तो उसको ये भी नहीं पता सर्दी में क्या दवाई है, दस्त की क्या दवाई, वो कैसे दवा करेगा। तो जो लड़के इस तरह से बढ़ रहे हैं तो या तो जिंदगी भर भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे, मतलब किसी जगह जाके अपने आप को नहीं कर पाएंगे, साहब हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, हमने ये काम किया है, ये ट्रेनिंग ली है और इस फिल्म में हमने काम सीखा है, उनके पास कोई अनुभव नहीं है। अगर हमें कोरबा में जो भी काम मिला था, हमारे सांस्कृतिक मंडल बना के रखे थे, तो उसके रंगमंच के हमारे अभिनय को देख करके वहाँ के लोगों ने हमको वहाँ पर काम देना शुरू किया था। अब उनका काम देख करके वहाँ जो काम किए हैं, हमें ग्वालियर में भी काम दिया, हमको बम्बई वाले ने भी अपनी तरफ से काम दे दिया था, हालांकि हम नहीं कर पाए हैं अपने फैमिली परिवार को देखते हुए। तो काम के लिए आपके पास अनुभव होगा तो आपको पैसा होगा, वो अनुभव नहीं है तो हमने आप लोगों ने कभी सर्कस देखा हो तो कुछ कलाकार एक्टिंग करते हैं और कुछ कलाकार जल्दी से टेबल वेट सजा देते हैं, झूला वूला सब सजा देते हैं, हालांकि उनको भी पैसा मिलता है लेकिन मजदूरी मिलती है। और जो कलाकार रहते हैं उनका रेट अलग रहता है, उनको कलाकार के हिसाब से रेट मिलती है। आपको कलाकार जैसा रेट पाना है तो आपको कहीं ना कहीं एक्टिंग सीखना पड़ेगी, रंगमंच से जुड़ो या किसी संस्था में आप जा करके अपना डिप्लोमा लाओ। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि कलाकार बनो मजदूर नहीं, क्योंकि मजदूर बनोगे तो तनख्वाह तो पाओगे लेकिन मजदूर ही बन के रह जाओगे, मजदूरी ही मिलेगी, यानी कलाकार बनो। लेकिन सर एक चीज़ और कहना चाह रहे हैं, जैसे आपने बताया कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं या सिखाते हैं, जो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं कि उनके पास बेचारों के पास 100 किलोमीटर दूर जाके कोई शॉर्ट फिल्म हो या वहाँ तक का भी पैसा नहीं है और घर में भी कोई इतना बड़ा पैसा नहीं है या सपोर्ट नहीं है, वो कैसे अपने आप को करें, या तो वो क्या छोड़ दें क्या? बम्बई में भी जितने बड़े बड़े कलाकार आज आपको नज़र आ रहे हैं सबकी अपने अपने प्रोडक्शन हाउस भी हैं। जब उन्हें कुछ बाहर से काम नहीं मिलता है तो अपने प्रोडक्शन हाउस में वो फिल्म बनाते हैं, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, सबके आप जान रहे हैं, और आपको अजय देवगन की भी बन गया है, इनके सबके प्रोडक्शन हाउस हैं अपने अपने। जब कहीं कोई फिल्म नहीं मिल रही अपने प्रोडक्शन हाउस में बनाते हैं तो अपना पैसा वहाँ लगा देते हैं, इसलिए उनका पैसा पड़ता रहता है। और हम ग्वालियर में बैठे हैं या किसी रेंज में जाके बैठ जाएंगे किसी छोटे शहर में, यहाँ साल में एक फिल्म बनाने के लिए बम्बई वाले आए, और ज़्यादातर तो वो अपना कलाकार एक्टर हैं जो करेक्टर वाले रोल वहीं से लेके आ जाते हैं। अभी हमको पिछले एक डेढ़ महीना पहले मौका ए वारदात उसमें NTV का था, उस पर काम करने को मौका मिला है। तो ज़्यादा बम्बई वाले जितने कलाकार थे सब बड़े करेक्टर उन्हीं के हैं, और जितनी भी कहानी होगी सब में वो लोग फिट रहेंगे, क्योंकि मुंबई में काम बंद था और वो लोग डेली बेस पे या पूरा महीने भर का एग्रीमेंट लेके आए होंगे, उनको पैसा दिया जाएगा। और ग्वालियर में जिन कलाकारों को भाई हमें इनका चाहिए, एक सिपाही चाहिए,
कुछ चाहिए गांव में गवाही देने के लिए आदमी चाहिए, हमको भी ऐसे ही एक करेक्टर मिला था गवाही देने वाला। वो तो गलती से मैं उस दिन जो अपने कुर्ते ले गया था उसमें एक कुर्ता हमारा ऐसे पहुंच गया, जब हमने उसको पहन के खड़े हुए तो उनके लोगों ने हमको नॉर्मल गवाह से एक स्पेशल गवाह बना दिया स्कूल में, जो बहुत कुछ यांत्रिक तांत्रिक जानता है, ग्रह की चाल जानता है, मतलब ऐसा बना दिया। वो हमारे लुक की वजह से, आपका लुक वैसा लगा तो बना दिए। हमारे एक कलाकार हैं हमारे ग्वालियर के, उन्होंने भी फीचर फिल्मों में काम कर रहे हैं, दुका छिपी में एक थिन मैन का रोल किया था, एक में गज्जू नाई का किया था, मतलब उनके जो रोल है उनकी बॉडी के हिसाब से दिया गया, उनको कोई वैसा रोल नहीं दिया जा सकता जो करेक्टर में उनके लुक में फिट होगा। अब हमें यहाँ उसमें मिला था सेक्रेटरी का स्कूल नाइट स्कूल वाले में, तो हमारे ड्रेस देख के जिस दिन हम गए वो ड्रेस देख के हमको उस रूप में सेक्रेटरी के रूप में सेलेक्ट किया। तो आपके लुक के हिसाब से मिलेगा आप, हम कहें कि हमें पर्टिकुलर फलाना रोल मिलता रहा, जब बताए हम जब वहाँ शुरुआत किए थे नाटकों की तो हमारी दाढ़ी की वजह से हमको दो चार बार मुसलमान का ही रोल करना पड़ा था अपने उनकी फिल्मों में, क्योंकि हम उसी तरह लगते थे लुक के हिसाब से। और अगर आपका लुक है तो आप काम मिलेगा बिल्कुल सर ने, लेकिन वो मुझे कहा हमको उन ही बम्बई के कलाकार को अगर वो 10,000 रुपये दे रहे हैं तो आपको 2,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि लुक और लक इन दो के साथ फिल्म लाइन में काम करते हैं लोग और कर रहे हैं, कोई लुक से आगे बढ़ रहा है कोई लक, अगर दोनों साथ में हैं तो बहुत अच्छे पायदान पे हैं वो लोग, और मेहनत सभी को करनी पड़ती है वो भी कर रहे हैं, सभी करते हैं। और बहुत अच्छा सफ़र रहा बलराम सर के साथ, और कुछ कहना चाहेंगे सर दर्शकों से? वैसे 2 साल तो एक बीमारी की वजह से काम मुंबई में हुआ नहीं है, और मुंबई के बहुत से कलाकार जो रेगुलर काम कर रहे थे वो भी अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं। अब वहाँ जब खुल जाएगा वो एक तरह का सागर है, फिल्मी सागर, हालांकि वहाँ उस समय एक हलचल मची हुई है ड्रग वाली, और सरकार लगी हुई है इनसे भी छानबीन कर रही है और उसकी सफाई अभियान चल रहा है, और वो जब नॉर्मल हो जाएगा हलचल बंद हो जाएगी, लहरें आना बंद हो जाएंगी, ज्वार भाटा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर कलाकारों को चांस मिलेगा जो अच्छा काम करेंगे, या जिनको अच्छा काम करना कुछ पैसे वाला तो उनको तो बम्बई की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, जहाँ शुरू में आपको भले ही क्राउड में लिया जाए आपका रोजी रोटी चलता रहे, जिस दिन आपका काम निखर जाएगा आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर पुरानी फिल्म की ममता देखा होगा तो सेकंड लीड में भी नहीं आती थी, बाद में दारा सिंह की और राजेश खन्ना की हीरोइन बन के वो फर्स्ट लीड में आ गई थी, तो आगे निकल जाते। अब शत्रुघ्न सिन्हा का भी पहले फिल्म था देवानंद की फिल्म में, ऐसे मोहन को ऐसे पकड़ा ऐसे स्टाइल से रखा तो शत्रुघ्न सिन्हा को खलनायक में काम मिलना शुरू हो गया था, मेन खलनायक हो गया था, हालांकि वो पूना इंस्टीट्यूट से पास आउट है, उसने उस चीज़ का कोर्स किया है, तो जो उभर रहे हैं तो उसका एक कारण वही उस हिसाब से उनके पास सर्टिफिकेट है। अब हमको सबसे पहले अपना ज्ञान को बढ़ाना है, और पैसा मिल जाए पहले इस बात की जिद में कतई नहीं बैठे, अभी काम जो शुरू हो रहे हैं जितना जहाँ मिल जाए वो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है, अपने आने जाने का खर्चा इतनी बात उससे तय कर लो भाई हमको आने जाने के दो बजे तो हम आ जाएंगे, अपने घर वालों पर ज़्यादा बोझ न बने और काम मिलता रहे, काम करते रहो तो वो आपकी काम की गिनती है। जब बोलेंगे आपका प्रोफाइल दिखाओ तो प्रोफाइल तो एक आपके पास बनी रहेगी, जो आप दिखा सकते हैं आपकी जो प्रोफाइल है वो फिर आपको आगे बढ़ाएगी, फिर उनको लगेगा उनकी फिल्म में उस तरह का करेक्टर है जरूर लेंगे। फिर कुछ लोग संबंध अच्छे बना लेते हैं, कुछ दोस्ताना संबंध बना के चलो, सबको अपने भेजते रहो, अरे फिल्म में काम बाद में ले उसके पहले दुआ सलाम राम राम ये तो भेजते रहो, गुड नाइट गुड मॉर्निंग कहने में तो कुछ नहीं जा रहा, आपके मोबाइल में सब आते हैं तब मोबाइल नंबर डालते हैं व्हाट्सएप नंबर डालते हैं भेजो भेजो, और उसी के सारे कई लोग काम पा रहे हैं। भाइयों दोस्तों आप लोग जो चैनल में हमको देख रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद, जो हमारे
सहयोगी कलाकार हैं सागर गुप्ता, जिन्होंने आज अपना अमूल्य समय हमें और हमारी बकबक को लिया। आप लोग को इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर जो बात अच्छी लगी हो उसे आप लिखें, कमेंट्स करें, अगर बुरा भी लगा हो उसको भी लिखें, जिससे हम उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करें अपने चैनल पर। वैसे कहा गया है, जो अच्छा लगे तो अपना लो, बुरा लगे उसे जाने दो, मेरी बात के माने दो, मेरी बात के माने दो। राम राम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को एक बार पुनः लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो अवश्य ही करें, वो भी तो हमें प्रेरणा देता है। हम अपने चैनल को कैसे सुधारें, उसमें क्या क्या करें, वो आपके सुझाव ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे और भगवान आपका भला करेंगे। तो दोस्तों, जहाँ से हम शुरू हुए वहाँ पहुँच गए, बलराम शर्मा जी के फोटो तक। धन्यवाद।